Hi everyone. So, how are you all? In this video, I'll be discussing one of the important legal maxims, and this is the video number 2 of the legal maxim series. And here in today's video, I am discussing the very important legal maxim of actori incumbit onus probandi. I repeat, actori incumbit onus probandi. So, iska matlab kya hota hai? It means that the burden of proof is on the plaintiff. The burden of proof is on the plaintiff. मतलब किसी भी केस लॉ के अंदर जो burden of proof रहता है कि दूसरी पार्टी ने गलती की या उसकी या उसने उसको ये सज़ा मिलनी चाहिए, ठीक है, तो ये प्रूफ करना होगा जिसने कंप्लेंट की है, जो क्लेमेंट है, जो प्लेंटिफ है. और यहाँ पे डिफेंडेंट जो है उसके ऊपर कोई भी ऐसी लाइबिलिटी अराइज नहीं होती. जो पूरी लाइबिलिटी है बर्डन ऑफ प्रूफ करने की वो प्लेंटिफ के ऊपर रहती है. Now it says that the claimant bears the burden of proof which has to prove the aspect of their claim. मतलब claimant को प्रूफ करना है, claimant के ऊपर burden है प्रूफ करने का कि वो जो क्लेम लगा रहा है, वो जो क्लेम कर रहा है डिफेंडेंट के अगेंस्ट, वो सही है और उस वो किस यू नो क्या क्या बेस है उसका. तो क्लेमेंट को ये प्रूफ करना पड़ेगा. इन अ सिविल प्रोसीडिंग कोर्ट लीड्स टू इन्वेस्टिगेशन but it has to be done by the plaintiff who is obliged to submit all the proof and evidence he or she got. इसमें बोल रहे हैं कि एक सिविल प्रोसीडिंग के अंदर कोर्ट जो है वो इन्वेस्टिगेशन को लीड करती है, ठीक है. कोर्ट काफ़ी सारी इन्वेस्टिगेशंस को प्रोसीड करती है, लेकिन वो जो इन्वेस्टिगेशन होती है वो प्लेंटिफ के द्वारा ही फुलफिल की जाती है और प्लेंटिफ के ऊपर ही ऑब्लिगेशन होती है कि वो सारे प्रूफ्स और सारे एविडेंसेस वगैरह को सबमिट करे अपने क्लेम को प्रूफ करने के लिए. The scope and subject matter of burden of proof could include the issues related to evidence as well as the pleadings. अभी जो हमारा burden of proof, हम लोग लगातार अपने meaning में भी burden of proof word का use कर रहे हैं क्योंकि इसका मतलब ये burden of proof is on the plaintiff. तो जो burden of proof का जो subject matter है, जो scope है, उसके अंदर क्या क्या include हो सकता है? तो जो भी हमारा case, जो भी issue है उससे related evidence आ सकते हैं plus the pleadings. तो जो हमारा plaintiff है उसको अपने प्रूफ के अंदर एविडेंसेस को शो करना है और उसको सबमिट करना है प्लस द प्लीडिंग्स, राइट. नाउ इन दिस मैक्सिम एक्टोरी, जो एक्टोरी वर्ड आ रहा है उसका मतलब है प्लेंटिफ या क्लेमेंट. एक्टोरी मीन्स प्लेंटिफ और क्लेमेंट. ओनस मीन्स क्या है? ओनस मीन्स बर्डन, बर्डन या फिर लोड. एंड प्रोबेरी मीन्स एविडेंस, प्रोबेरी मीन्स एविडेंस. अभी हम देखते हैं कि इस मैक्सिम की हिस्ट्री क्या है. तो The history of this aspect burden of proof goes back into the ancient times. Ancient time से ये you know originate हुई है ये maxim. In ancient Roman law, this principle of burden of proof expressed itself through different maxims such as. अभी ये बोल रहे हैं कि ancient Roman law से you know ये maxim का origination हुआ. वहाँ पर भी ये सेम रूल अप्लाई होता था बर्डन ऑफ प्रूफ का, जो कि प्लेंटिफ के ऊपर रहता था, लेकिन वहाँ पे डिफरेंट मैक्सिम्स के रूप में इनको यूज़ किया जाता था. जैसे मैक्सिम है एक्स क्वी अफर्मात नॉन ए क्वी निगात इनकम्बिट प्रोबेशन. दे आर डिफिकल्ट टू यू नो रिमेंबर, बट फिर भी आप अगर अपने आंसर में इसको कोट डाउन करेंगे सो इट विल यू नो ब्रिंग द मोर वेटेज टू योर आंसर. देन इसका मतलब वहाँ पे रोमन लॉ में इसका मतलब क्या होता था? इट मीन्स दैट दिस मैक्सिम स्टेट्स दैट द बर्डन ऑफ प्रूफ इज ऑन द पर्सन हु अफर्म्स इट एंड नॉट द वन हु डिनाइज इट. मतलब जो बोल रहा है कि हाँ ये गलती हुई है, मतलब कि यहाँ पे इस पर्सन ने ऐसा कुछ किया है, यहाँ पे ऐसा डिफेमेशन हुआ है, उसे ही प्रूफ करना पड़ेगा, ना कि उसे जो कह रहा है नहीं डिफेमेशन हुआ ही नहीं है, नहीं मैंने कोई गलती की ही नहीं है, नहीं मैंने कोई डैमेज किया ही नहीं है. तो उस पर्सन के ऊपर ऐसा बर्डन नहीं लाए करता है, बल्कि उसके ऊपर करता है जो उस केस को या उस इशू को अफर्म करता है, ठीक है. एंड एक्टोरी इनकम्बिट प्रोबेशियो, एक और मैक्सिम भी यू नो एग्जिस्ट करती थी रोमन लॉ में, उसका मतलब भी ये था द क्लेमेंट कैरीज द बर्डन ऑफ प्रूफ. इन इस्लामिक लॉ दिस मैक्सिम एज अ जनरल रूल मीन्स दैट The burden of proof is on the claimant. सब में एक ही बात है, burden of proof is on the claimant, it is on the plaintiff, it is on the one who affirms it. But वही अलग अलग जगह पे उनका usage अलग है और उनकी maxims different है. अभी इस maxim का क्या exception है वो देखते हैं. The only one exception to this maxim is when the facts are peculiarly within the other party's knowledge.
But in practice, there should be many factors which may affect to qualify the application of the general rule. इसका एक ही एक्सेप्शन है, वो एक्सेप्शन ये है कि अगर उस मैक्सिम ओ सॉरी उस केस लॉ के जो फैक्ट्स हैं, उस इशू के जो फैक्ट्स हैं, वो दूसरी पार्टी की पूरी तरह से जानकारी में है, ठीक है, और मतलब जरूरत ही नहीं है प्रूफ बताने की, दिखाने की, सबको दिख रहा है कि दूसरी पार्टी को पता है ऐसा हुआ है, उसने ही किया है, मतलब जब चीज़ सामने खुद ही खुली हुई है और दूसरी पार्टी को पूरी तरह से पता है चीज़ें, तो ऐसे में उसके ऊपर कोई लाइबिलिटी नहीं बनती है प्लेंटिफ के ऊपर कि वो उसको प्रूफ करे एविडेंसेस या प्लीडिंग्स के थ्रू. लेकिन जनरली ये एक्सेप्शन जो है वो कम एग्जिस्ट कर पाता है क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, यू नो, एक केस रिलेटेड है नहीं कि बहुत लिमिटेड होते हैं, देयर इज टू बी मेनी फैक्टर्स, तो उस जगह पे जरूरी नहीं है कि अदर पार्टी को सारे के सारे फैक्टर्स पता हो, तो वहाँ पे ये मैक्सिम, ये एक्सेप्शन अप्लाई नहीं हो पाता है. आई होप इट इज़ क्लियर. नाउ अब हम इसके दो केस लॉज देखते हैं. पहला केस लॉ है चिन्ना पेरुमल वर्सेस पेरिया पेरुमल. इन दिस केस द सुप्रीम कोर्ट रिकलेक्टेड द मैक्सिम विच हेल्ड दैट द प्रूफ इज इनकमबेंट ऑन द वन हु अफर्म्स एंड नॉट द वन हु डिनाइज. वही चीज़ है इसमें, यही सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि प्रूफ उसके ऊपर है जो अफर्म करता है, ना कि उसके ऊपर जो डिनाई करता है, राइट. इस केस में एक और चीज़ हेल्ड की सुप्रीम कोर्ट ने, दैट द डिफेंडेंट्स आर हेल्ड टू बी इन अ मोर फेवरेबल पोजिशन देन द प्लेंटिफ. इसमें यह हेल्ड किया गया था कि जो सारा का सारा जो प्रेशर है, ऑब्लिगेशन है, जो प्रूफ का बर्डन है पूरा का पूरा प्रूविंग का, वो प्लेंटिफ के ऊपर है, तो डिफेंडेंट तो भाई आराम से रह रहा है, वो फेवरेबल पोजीशन में है, कोई प्रेशर नहीं है, ही इज फ्री. तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि डिफेंडेंट आर हेल्ड टू बी इन अ मोर फेवरेबल पोजीशन देन दी प्लेंटिफ. अभी इसका दूसरा केस लॉ क्या है, दैट इज श्री बी आर शिवरमैया वर्सेज रजिस्ट्रार जनरल. इन दिस केस लॉ इट इज ऑल्सो बेस्ड ऑन द अबव डिस्कस मैक्सिम जो हम अभी पढ़ रहे हैं, in which it states that the burden of proof lies upon the one who affirms, not the one who denies. Same baat aa rahi hai baar baar. And hence it is the inquiry officer who had to prove the charge, not the petitioner. इस केस लॉ में भी कुछ ऐसा ही हुआ था कि इंक्वायरी ऑफिसर जो था उसको हेल्ड किया गया था, वही लाइबल था प्रूव करने के लिए जो उसने चार्जेस लगाए हैं, ठीक है, और दूसरी पार्टी नहीं थी हेल्ड, लाइबल हुई थी. तो यही हमारी पूरी एक ही बात, एक ही रामकथा है बार 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 बार, लेकिन अलग तरीके से बताई है. तो अभी हमने इसका मीनिंग देख लिया, ठीक है, हमने इसकी हिस्ट्री पढ़ी, हमने इसका एक्सेप्शन देखा और केस लॉज देखे, ठीक है. तो दिस इज इट फॉर दिस मैक्सिम, दैट इज एक्टोरी इनकम्बेंट ओनर्स प्रोबैंडी. आई होप समझ में आ गई होगी. किस तरह के डाउट के लिए आप लोग कॉमेंट सेक्शन में लिख के बताइए मुझे कैसा लगा वीडियो, क्या क्वेरीज हैं. एंड या अगर पसंद आया तो डू क्लिक ऑन द थम्स अप बटन, डू लाइक द वीडियो, do share the video and do subscribe the channel. Thank you so much. Bye bye. Take care.